ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है, मवेशी मंडियों में जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची सुपर हाईवे पर लगती है। 2000 से ज्यादा एकड़ रकबे पर फैली इस मवेशी मंडी में मुल्क भर से बड़े और छोटे जानवर लाए जाते हैं। कराची के फरजंदाने इस्लाम एक बड़ी तादाद में इस मवेशी मंडी से सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए जानवर की खरीदारी करते हैं और इनकी कोशिश होती है कि मुनासिब कीमत पर अच्छा और खूबसूरत सा जानवर मिल जाए, जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए राह खुदा में अपने हाथों से ज़िबा कर सकें। तर्जुमान मवेशी मंडी आसिफ अली सैयद का कहना था कि इस वक्त तकरीबन 70 से 75 हज़ार जानवर फरोख्त के लिए लाए जा चुके हैं, जबकि मजीद जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। 2000 से ज्यादा एकड़ रकबे पर यह पूरी मंडी फैली हुई है, जिसमें 24 के करीब ब्लॉक हैं। तकरीबन 4 लाख तक की एक्सपेक्टेड है इनको कि यहाँ पे आएंगे जानवर। पिछले साल 3 लाख से ऊपर के जानवर आए थे, इस साल का इनका अंदाजा है कि 4 लाख के करीब तकरीबन जानवर मंडी में आएंगे। अल्लाह पाक को जुलहिज्जा की 10 तारीख ईद उल अजहा के दिन मुसलमानों का कोई अमल भी कुर्बानी से ज्यादा महबूब और प्यारा नहीं है। कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह पाक के दरबार में मकबूलियत के मकाम पर पहुँच जाता है। मदनी चैनल के नाजरीन, कुर्बानी के फजाइल और अहकाम जानने के लिए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया का तहरीर करदा रिसाला अबलग घोड़े सवार का मुताला जरूर फरमाएं।